लेकिन ध्यान से सुनिएगा, अब मैं एक बात बोलना चाहता हूं, एकमात्र उपवास रखना मजाक हो सकता है, लेकिन उपवास रखना प्लस प्रार्थना करना प्लस उसमें वचन का मनन करना, वचन के मुताबिक चलना, वचन के मुताबिक अपना जीवन जीना, वो मजाक नहीं हो सकता। यीशु मसीह ने पहले अपनी आत्मिकता को प्रकट किया, फिर उपवास किया, फिर प्रार्थना की, फिर वचन पर मनन किया, और फिर उसके बाद शैतान का सामना करते हुए जय को हासिल किया। आमेन। आमेन। आज बहुत से लोग आत्मिकता को प्रकट नहीं कर पाते, आत्मिकता को अपने अंदर नहीं ला पाते, लेकिन क्या करते, आते ही तुरंत उपवास करते हैं, तुरंत प्रार्थना 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 करते हैं, और वचन उनके जीवन में होता नहीं है। और जैसे शैतान आता है, परीक्षा लेकर आता है, जैसे शैतान परीक्षा लेकर आता है, और क्या होता है, वो व्यक्ति उस परीक्षा में हार जाता है, वो व्यक्ति उस परीक्षा के अंदर जय प्राप्त नहीं कर पाता, वो व्यक्ति उस परीक्षा के अंदर अगली क्लास में जा नहीं पाता, और फिर कहता है मैं कैसे फंस गया, मैं फंस नहीं सकता था, मेरा तो फंसना प्रभु बड़ा मुश्किल था। किसी ने उसको समझाने की कोशिश की, आप ऐसे स्टेप मत लीजिए, धीरे धीरे बढ़े। बाइबल में लिखा है पहले वो दूध पिए, फिर रोटी खाएं, फिर सख्त भोजन खाएं, और उसके बाद वो मजबूत होंगे, फिर वो चेले बनेंगे, और फिर यीशु मसीह क्या कहेंगे, यदि कोई चेला विपत्ति के समय में विपत्ति का सामना ना कर पाया, तो यीशु मसीह ने क्या कहा, हे अल्प विश्वास रखने वाले लोगों, मैं कब तक तुम्हारे साथ रहूंगा, आप कब तक सीखते रहेंगे। बाइबल में लिखा बहुत से लोग सीखते तो रहते हैं परंतु सत्य की पहचान तक नहीं पहुंचते। हमें सत्य की पहचान तक पहुंचना है, हमें सत्य को ग्रहण करना है, हमें सत्य के मुताबिक जीवन जीना है, हमें सत्य के अंदर रहकर सत्य का उपवास करना है, सत्य के साथ प्रार्थना करनी है, और सत्य के वचनों को अपने जीवन में लिए फिरना है। आमेन। प्रेज लॉर्ड। आमेन। आमेन। प्रेज लॉर्ड। प्रेज लॉर्ड। उपवास कौन कौन नहीं रख सकता, ध्यान दीजिएगा, उपवास कौन कौन नहीं रख सकता उसको हम सीखेंगे थोड़ी देर के बाद, उसे पहले सीखेंगे उपवास रखने के बाद हम कैसे खोल दें उसको, क्या खाएं। अभी तक हम सीख रहे थे उपवास में हम क्या करें, उपवास के अंदर हमें प्रार्थना करनी है, उपवास के अंदर हमें वचन को पढ़ना है। यदि आप केवल उपवास करते हैं तो वो एक धरना होगा, वो एक अपने शरीर को पनिश करना होगा, वो एक अपने शरीर को सजा देने के बराबर होगा। लेकिन यदि आप उपवास के अंदर प्रार्थना करते हैं प्लस अपनी बाइबल को पढ़ते हैं प्लस बाइबल को याद करते हैं प्लस शैतान के हर एक परीक्षा के ऊपर जय प्राप्त करते हैं, तो आप शैतान को हरा कर ये साबित कर रहे हैं कि आप यीशु मसीह के जैसा उपवास कर रहे हैं। प्रेज लॉर्ड। आमेन। प्रेज लॉर्ड। प्रेज लॉर्ड। ठंडा नहीं। प्रेज लॉर्ड। प्रेज लॉर्ड। हालेलुया। हालेलुया। आपकी आवाज के अंदर वजन होना चाहिए, अगर घंटों मेरी आवाज में वजन हो सकता है, आपकी आवाज में इससे ज्यादा वजन होना चाहिए। प्रेज लॉर्ड। प्रेज लॉर्ड। हालेलुया। हालेलुया। जी ध्यान से सुनिएगा,
एक ही आत्मा है, एक ही प्रभु है, एक ही परमेश्वर है, फिर शिक्षाएं अलग अलग कैसे हो सकती है? मैं फिर से कहना चाहता हूं, एक ही प्रभु है, एक ही परमेश्वर है, एक ही आत्मा है, तो शिक्षाएं अलग अलग नहीं हो सकती, वरदान अलग अलग हो सकते हैं। प्रेज द लॉर्ड। वरदान अलग अलग हो सकते हैं, शिक्षाएं अलग अलग नहीं हो सकती, क्योंकि बाइबल एक है, आत्मा एक है, प्रभु एक है, परमेश्वर भी एक ही है। आमेन। तो शिक्षाएं अलग अलग नहीं होंगी, वरदान अलग अलग होंगे। प्रेज द लॉर्ड। आमेन। आमेन। इस वक्त मैं वचन से बात कर रहा हूं और मेरा विश्वास है जो वचन पढ़ते हैं वे समझ पा रहे हैं कि मैं क्या कह रहा हूं। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। मुझे विश्वास है कि आप लोग कुछ नया सीख रहे हैं। आमेन। और जब आप नया सीखते हैं तो याद रखिए आप नई सृष्टि बनते जा रहे हैं। प्रेज द लॉर्ड। प्रेज द लॉर्ड। और नई सृष्टि में से हमेशा नई बातें निकलती हैं और नई सृष्टि हमेशा नई बातें ग्रहण करती है। हालेलुया। आप नई सृष्टि हैं, आप नएपन के अंदर जीवन का श्वास ले रहे हैं, आप कुछ नया सीख रहे हैं। बहुत से लोग जब उपवास करते हैं, एक दिन उपवास करेंगे तो तरोताजा रहेंगे, दूसरे दिन उपवास करेंगे तो झट बीमार हो जाते हैं, तीसरे दिन का उपवास वो रख ही नहीं पाते। एक कैटेगरी के लोग ये हैं। दूसरी कैटेगरी के लोग कौन से हैं? पहले दिन उपवास करते हैं और पहले दिन ही कहीं ना कहीं गलती कर कर कुछ ना कुछ चुप कर जाते हैं, कुछ खा जाते हैं और कहते हैं ओ उपवास तो टूट गया, मेरा ना उपवास टूट गया इसलिए मैंने फिर रखा ही नहीं। तीसरे प्रकार के लोग कौन से हैं? उपवास रखते हैं, पहले दिन उपवास रखा तो वो किसी के घर चले जाते हैं, दूसरे दिन उपवास रखा तो फिर दूसरे किसी के घर चले जाते हैं, तीसरे दिन उपवास रखा फिर तीसरे दिन किसी के घर चले जाते हैं। मालूम क्यों? क्योंकि जब भी वो किसी के घर जाते हैं तो चाय मिलेगी, दूध मिलेगा, कुछ ना कुछ खाने के लिए मिलेगा और वो पूरा दिन बातों में व्यतीत करते हैं, बस यहां की बात वहां की बात, ऐसा हो गया वैसा। बहुत से लोग उपवास के अंदर बुराइयां भी करते हैं। वो लोग हैं जो उपवास रखने से पहले भी बुराइयां करते थे, इसलिए उनके मुंह से वही वरदान निकलता है। ध्यान से सुनिएगा। चौथे प्रकार के लोग हैं जो उपवास रखते हैं, अपने घर में बैठते हैं, आराधना करते हैं, सुबह 4 बजे परमेश्वर के लिए उठ जाते हैं और सुबह 4 बजे उठकर वो परमेश्वर की महिमा करते हैं, प्रार्थना में भी परमेश्वर की आराधना करते हैं, प्रार्थना में भी परमेश्वर को कहते हैं प्रभु आपने मुझे पूरी उम्र ये दिया वो दिया, प्रभु आपने वो देकर मुझे आशीषित किया, प्रभु आपने फैक्ट्री देकर मुझे आशीषित किया, आपने मुझे गाड़ी देकर आशीषित किया, आपने मुझे आत्मिक वरदान दिए परमेश्वर, आपने मुझे वचन पढ़ने का बल दिया परमेश्वर, आपने मुझे वचनों को याद करने का बल दिया परमेश्वर, आप बहुत अच्छे हैं, आप बहुत सुंदर हैं, आप अद्भुत हैं परमेश्वर, आपके जैसा मेरे पास कोई नहीं है, आपके जैसा मुझे कहीं नहीं मिला, आप बहुत अच्छे परमेश्वर हैं, और वो महिमा करता रहता है, करता रहता है, करता रहता है, और उसके घर कोई व्यक्ति आता है, बेल लगाता है और वो प्रार्थना से उठता है और उठकर अपने मित्र को मिलता है, जी बोलिए मैं आपके साथ कुछ देर बैठना चाहता, सॉरी ये दिन मेरे उपवास के चल रहे हैं और मैं अपने परमेश्वर के साथ इन दिनों में बिजी हूं, मुझे माफ कीजिए, उपवास खुलते ही हम दोनों मिलेंगे। और वो मित्र कहता है यार मैं तेरा दोस्त हूं, तेरा जिगरी यार, भैया मुझे माफ करना, ये दिन मेरे आपसे भी अच्छे दोस्त के चल रहे हैं, मुझे माफ कीजिए। अच्छा चलो ठीक है यार, अंदर आने के लिए भी नहीं बोलेगा, नहीं आप अंदर आ जाइए, पर अंदर आकर करेंगे क्या, क्योंकि मेरा तो प्रार्थना का वक्त चल रहा है, मैं आपके साथ नहीं बैठ पाऊंगा, मैं पिछली बार उपवास से पहले आपके साथ बहुत समय बैठा,
बड़े समय आपके साथ मैंने बैठकर बहुत सी बातें की, लेकिन इन दिनों में नहीं बैठ सकता, ये दिन मेरे परमेश्वर के। Praise the Lord. और व्यक्ति तुरंत जाकर फिर उपवास में बैठता है, फिर प्रार्थना करता है, फिर बाइबल पढ़ता है और फिर परमेश्वर के सामने वचनों को याद करता है, प्रार्थना करता है, बाइबल पढ़ता है, वचनों को याद करता है, प्रार्थना करता है, बाइबल पढ़ता है, वचनों को याद करता है, प्रार्थना करता है, बाइबल पढ़ता है, वचनों को याद करता है, प्रार्थना करता है, बाइबल पढ़ता है, वचनों को याद करता है, प्रार्थना करता है, बाइबल पढ़ता है, वचनों को याद करता है। Praise the Lord. और जब वो व्यक्ति ये सब कुछ करता है, ध्यान से सुनिएगा, एक एक दिन रोज कोई ना कोई, कभी बुआ आती है, कभी फूफा आता है, कभी दोस्त आता है, कभी सहेला आता है, कभी सहेली आती है, कोई ना कोई आता है और आकर एक ही बात बोलता है, थोड़ा सा समय दे दे, थोड़ा सा समय दे दे, थोड़ा सा समय दे दे, थोड़ा सा समय दे दे। लेकिन वो हर परीक्षा को एक ही बात बोलता है, ध्यान से सुनो, ये समय मेरे परमेश्वर का है। Praise the Lord. ये समय मैं आपको नहीं दे सकता, ये समय मेरे परमेश्वर का है। मैंने स्पेशली अपने ऑफिस से छुट्टी ली है, मैंने स्पेशल ही अपनी गेम से छुट्टी ली है, मैंने स्पेशल ही अपने सारे काम काज बंद किए हैं मैं, और छुट्टी लेकर परमेश्वर के सामने बैठा हूं। अच्छा भैया, फलाना व्यक्ति तो जब उपवास करता है वो तो अपने रिश्तेदारों के घर में जाता है, फलाना व्यक्ति, फलानी बहन तो जब उपवास करती है घंटों हमारे साथ बैठकर चुटकुले मारती है, और तू क्यों नहीं बैठता, तू कोई स्वर्ग से उतर कर आया है? और वो क्या कहता है, मैं स्वर्ग से तो नहीं आया, तो धरती से ही हूँ, धरती से ही पैदा हुआ हूँ और अपनी माँ बाप की तरह से ही जैसे आप पैदा हुए वैसे ही हुआ हूँ, लेकिन भैया प्लीज मुझे माफ कीजिएगा, ये समय वार्तालाप का नहीं है, मैं आपके हर प्रश्न का जवाब दूंगा, लेकिन अभी नहीं, अभी तो मेरा उपवास का, मेरा प्रार्थना का, मेरा बाइबल पढ़ने का और बाइबल को याद करने का समय है। Praise the Lord. और बार बार शैतान किसी ना किसी के जरिए आएगा, बार बार शैतान आपके उपवास प्रार्थना को डिस्टर्ब करने की कोशिश करेगा, बार बार शैतान आपके बाइबल पढ़ने को चुराएगा, बार बार शैतान आपके बाइबल याद करने को चुराएगा, क्योंकि आपके मित्र नहीं जानते आप गुप्त में क्या कर रहे हैं, आपके दोस्त नहीं जानते आप गुप्त में क्या कर रहे हैं, आपके रिश्तेदार नहीं जानते आप गुप्त में क्या कर रहे हैं, आपके क्लासमेट फ्रेंड्स नहीं जानते, आपके संगी मित्र नहीं जानते आप क्या कर रहे हैं, लेकिन एक ही आत्मा, एक ही प्रभु, एक ही परमेश्वर जानता है आप क्या कर रहे हैं, और प्लस शैतान जानता है आप दरवाजे के उस पार कुंडी लगाकर क्या कर रहे हैं। और वो शैतान लगातार ऐसे ही जैसे यीशु मसीह के पास पहले दिन से आता रहा, आपके पास भी आएगा। लेकिन यदि आपने हर परीक्षा का जवाब वचन से दिया तो शैतान समझ जाएगा ये अंदर बैठकर वचन भी पढ़ रहा है। Lord, amen. शैतान समझ जाएगा ये यीशु मसीह के जैसा रूबरू फास्टिंग तक रहा है, amen. ये यीशु मसीह की नकल कर रहा है, ये यीशु मसीह को कॉपी कर रहा है, amen. क्या आप यीशु को कॉपी करते हैं? सवाल इस बात का नहीं है कि क्या आप यीशु के जैसे कपड़े पहनते हैं या नहीं, सवाल इस बात का नहीं है आपकी शक्ल यीशु मसीह के जैसी है या नहीं, सवाल इस बात का नहीं आपकी आंखें सुनहरी हैं या नहीं, सवाल इस बात का नहीं आपके बाल लंबे हैं या नहीं, सवाल इस बात का है क्या आप उपवास के अंदर प्रार्थना प्लस वचन और वचन के मुताबिक शैतान का सामना कर पा रहे हैं या नहीं, ये सवाल है। यदि आप कहते हैं हाँ मैं कर पा रहा हूं तो आप जय पाएंगे, आमीन, आमीन। यदि आप कहते हैं हाँ मैं कर पा रहा हूं तो आप जय के उत्सव में चलते रहेंगे, आमीन। यदि आप कहते हैं हाँ मैं कर पा रहा हूं तो दरवाजे पर आने वाली हर परीक्षा, हर टेम्पटेशन वापस लौट जाएगी, आमीन।